क्या आप सबको पता है कि बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख की पिछली फिल्म कौन सी थी जो आप सब में से किसी ने लास्ट टाइम थिएटर में जाकर देखा है? क्यों याद नहीं है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इनकी पिछली फिल्म का नाम जीरो था, जो 2018 में आया था। बस उस टाइम से अभी तक शाहरुख खान के बीच में कोई फिल्म देखने को नहीं मिला है। और अगर आप एसआरके के हार्ड फैन हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि शाहरुख अगले साल फिल्म करके बॉक्स ऑफिस पर हैट्रिक मारने वाले हैं, जिनसे उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर उनके किंग खान इतने सालों के बाद कमबैक जो कर रहे हैं। क्योंकि इनकी पिछली फिल्म जो 2018 में आया था जीरो, वो ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आया था। तब से एसआरके अपने फैंस के लिए कुछ नया करने की तैयारी में लग गए थे, जो अब तक इससे पहले किसी ने देखा ना हो। क्योंकि इनका जितना गैप है फिल्म को ना करने का, उतने में तो अपने खिलाड़ी भैया की 15-20 फिल्में कब आया और कब चला गया पता भी नहीं चला। बात अगर किंग खान की करें तो इनका जो 5 साल का गैप है, ये गैप इनके करियर का अब तक का सबसे लंबा रहा है। क्योंकि जहां इनकी फिल्म हमें साल या 1.5 साल के अंदर देखने के लिए मिल जाता था, वहीं इस बार हम सबको काफी लंबा इंतजार कराया है। खैर, वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, ठीक उसी तरह से किंग खान अपने आने वाले बैक टू बैक फिल्म लाके अपने फैंस को चौंकाने वाले हैं। आज के वीडियो टाइटल की बात करें तो इनका जो अगले साल फिल्म आने वाला है उसका नाम है पठान, जिसकी घोषणा इसी साल जून में ही YRF ने कर दिया था, जिसके बाद से उनके फैंस का खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पूरे 5 साल के बाद किंग खान बड़े पर्दे पर धमाल जो करने वाले हैं। इस फिल्म को एक्शन डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किए हैं, जिन्हें एक्शन डायरेक्टर भी आप कह सकते हैं। क्योंकि ऋतिक रोशन के साथ बैंग बैंग जैसी फिल्म दिखा के और फिर उसके बाद वार जैसी मूवी को बना के साबित कर चुके हैं। और सिद्धार्थ आनंद की अगली एक्शन फिल्म का नाम है फाइटर, जिसमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण भी दिखने वाले हैं, जिसका अनाउंसमेंट भी कर दिया गया, जो अगले साल तक सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात हम शाहरुख खान की करें तो ये अपनी फिल्म करके शायद बॉक्स ऑफिस पर हैट्रिक भी मार दें, क्योंकि किंग खान अपनी फिल्म बना के तैयार बैठे हैं रिलीज करने के लिए। बात अगर फिल्म पठान की करें तो इनके साथ जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण मेन लीड रोल में नजर आने वाले हैं। ऐसे में फिल्म के फैंस अब ज्यादा और इंतजार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब से इसका फर्स्ट पोस्टर को दिखाया गया है और शाहरुख खान का जो डैशिंग लुक को शो किया गया है, वो शाहरुख की अब तक की बेस्ट लुक में से एक है। मैं आपको एक और अपडेट बता दूं कि इसका टीजर, जिसका इंतजार लोग काफी बेसब्री से कर रहे हैं, तो आप सबको बता दूं कि इस फिल्म का स्टोरी टीजर किंग खान के बर्थडे यानी 2 नवंबर को उनके बर्थडे पर हम सबको देखने के लिए मिल सकता है। आप सबको तो पता ही है कि उनका बर्थडे बीच दुबई के बुर्ज खलीफा पे भी लाइट शो के जरिए दिखाया जाता है, तो शायद इस बार उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के मौके पर दुबई में होने वाले लाइट शो के जरिए पठान का टीजर को भी दिखाया जाए। तो बस अब आप सब इंतजार कीजिए किंग खान के बर्थडे का। और इनकी जो दूसरी फिल्म है उसका नाम है जवान, और इस फिल्म की भी अनाउंसमेंट फिल्म के मेकर्स के तरफ से कर दिया गया है। और ये फिल्म आपको अगले साल जून के महीने में देखने के लिए मिल सकता है। और फिर इसके बाद इनकी मच अवेटेड फिल्म डंकी, जो राजकुमार हिरानी के साथ करने वाले हैं। मतलब कि आने वाले साल किंग खान के नाम होने वाला है, क्योंकि शाहरुख अपनी फिल्म से हैट्रिक तो मारेंगे ही। तो आप तैयार हो जाइए एसआरके फेस्टिवल के लिए, बस अब टीजर का इंतजार है। तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आप शाहरुख की कौन सी फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड हैं, क्योंकि बॉलीवुड का बादशाह आने वाला है जो इस बॉलीवुड की डूबती नैया को किनारा लगाने वाला है। तो आप नीचे कमेंट करें कि आप शाहरुख की किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा लेना। मिलते हैं फिर अपनी अगली रिव्यू में, क्योंकि यहाँ